तो हमीरपुर को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है और आज की तारीख में इस प्रवेश द्वार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि आज की तारीख में ये मात्र रेफरेंस सेंटर बनकर रह गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। मैं इस समय मौजूद हूं हमीरपुर के जिला चिकित्सालय का। आप बोर्ड पीछे देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है दीवान शत्रुघ्न सिंह जिला चिकित्सालय हमीरपुर का है। आपको अंदर लेकर के चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मरीजों का इलाज होता है, क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से क्या पूरा स्टाफ है या नहीं है, या फिर मरीज परेशान होकर जाता है या फिर अपना इलाज करा करके। आइए आपको लेकर चलते हैं और करते हैं आज इस अस्पताल का रियलिटी चेक। आज तक के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी सरकार आई हो जिसने बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे न किए हों, पर ये जो समस्या है आज की तारीख में जख्म बन चुकी है और हमीरपुर में तो जख्म ये नासूर बनती जा रही है। सरकारें बदलती चली गई पर यहां के हालात जस के तस बने हुए हैं। दावे क्या नहीं हो रहे पर हकीकत क्या है, आज आपको रफ्तार मीडिया दिखा रहा है। क्या यहाँ पेशेंट नहीं है, यहाँ लोग नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा अभाव रहता है। जैसे हड्डी वाले डॉक्टर हैं तो कानपुर से आते हैं, देखते हैं, वो फीस लेते हैं अपनी, जबकि हेडक्वार्टर में इतना अच्छा अस्पताल है। कुल मिला के औपचारिकता की जाती है। अब अगर सोचिए कानपुर से कोई डॉक्टर हमीरपुर अगर देखने आएगा तो मुझे लगता है 2.5 घंटा तो उसको आने में लग जाएगा, अगर वो घाटमपुर के जाम से बच पाए। पहली बात तो बच नहीं पाता, नहीं बच पाता है, कभी कभी उसको तो वापसी में रात हो जाए। मैं आपको बता दूं, जिन दर्शकों को ये नहीं पता, हमीरपुर से और कानपुर की जो दूरी है मुझे लगता है 60 से 65 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ये दूरी इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जाम बहुत लगता है। घाटमपुर खास तौर से जो बीच में पड़ता है कानपुर और हमीरपुर के, वहाँ पे इतना गहरा, चाहे वो दिन का समय हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, चाहे आप भले ही एम्बुलेंस से हो, हाँ नेता यानी कि जनप्रतिनिधि अधिकारी जब वो अपने स्कॉट के साथ चलते तो हो सकता है कि वो जल्दी पहुँच जाते होंगे, लेकिन आम आदमी नहीं पहुँच पाते। तो आलम ये है कि हमीरपुर के जिला अस्पताल से जो तस्वीरें हमारे कैमरे ने कैद किए उसे देखकर हम चौंक गए। दरअसल यहां पहले तो चिकित्सकों की कमी पाई गई, पर जो है वो इतने होशियार हैं कि बिना मरीज पर्चा देखे ही दवा दे देते हैं। डॉक्टर साहब, हमीरपुर का इस अस्पताल के बारे में यहां की जनता और लोग ये कहते हैं कि इसको रिफर सेंटर कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? रिफर वही मरीज किए जाते हैं जिनमें हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ डॉक्टरों की बहुत ही कमी है। अच्छा। कुछ इस फैसिलिटी में कोई भी डॉक्टर नहीं है, जैसे आर्थोपेडिक्स में हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास एक नहीं है, फिजिशियन एक ही है, सर्जन एक ही है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है जैसा मैंने बताया आपको, और रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। समस्या काफ़ी दिन से चल रही है, ये काफ़ी दिन से है। मैं आपको बार बार शासन को पत्राचार भी कर चुका हूँ, वहाँ पे हमें डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, जिनका यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है या पोस्टिंग होती है वो लोग ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ 2 बार आर्थोपेडिक सर्जन भेजा गया, 1 बार रेडियोलॉजिस्ट भेजा गया, लेकिन उन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया। दावे हजार हैं, असल तस्वीरें कुछ और ही कहानी कहती दिख रही हैं। तो दूसरी तरफ जो व्यवस्था है वो खुद को ही बैसाखी के सहारे खींचती नजर आ रही है। इतने रुपए खर्च कर अस्पताल के नाम की एक इमारत तो बना दी गई है, पर इमारत को जो अस्पताल बनाने वाले डॉक्टर हैं वही गायब हैं। आम आदमी है जो तीमारदार है उसका कहना यह है कि साहब यहाँ तो बहुत लंबे अरसे से यह चीज चली आ रही है, क्या कभी आपकी इस विषय में ऊपर अधिकारियों से या किसी मतलब ऐसे बातचीत? हाँ, इसमें मेरी बात हुई है, मैंने लेटर भी लिखा है उनको कि हमारे यहाँ जो है, और बीच बीच में जो हमारे जो है जो भी अधिकारी आते हैं बाहर से, लखनऊ से आते हैं, उनको भी अवगत कराया जाता है कि हमारे पास कमी है और हम करीब जो है हमारे जनपद में जो है 1/3 की स्ट्रेंथ है इस समय, तो 1/3 की स्ट्रेंथ में पूरे जनपद को चलाना एक कठिन कार्य है। देखा, ये है हालात हमीरपुर जिले के सरकारी अस्पतालों का। अधिकारियों से जब बात करी तो वो इस बात को तो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है, अधिकारियों की कमी है, लेकिन आम जनमानस,
खास तौर से मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ये हमीरपुर जो बुंदेलखंड क्षेत्र का जो एरिया है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग या तो किसान हैं, ग्रामीण हैं, आम तबका है, गरीब तबका है। अब आप सोच सकते हैं कि बड़ी बड़ी बातें जो सरकार करती है स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के, लेकिन जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी जैसा बड़ा अधिकारी इस बात से खुद कह रहा हो कि कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है, तो आप सोचो आम आदमी का इलाज कैसे संभव हो सकता है। ऐसे कहा जाता है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, इंसान होना तो भाग्य है पर डॉक्टर होना सौभाग्य। लेकिन ये डॉक्टर सौभाग्य वाले तो नहीं दिखाई देते, कहीं ना कहीं आम जनता का दुर्भाग्य और उसका भाग्य खराब करने का जरूर काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ शिवम तिवारी, रफ्तार मीडिया, हमीरपुर।